हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताऊंगा एक टर्किश एक्ट्रेस सेरेने सेरिकाया के बारे में और जानेंगे उनके 5 ऐसे पॉपुलर टर्किश ड्रामास के बारे में जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेरेने सेरिकाया एक पॉपुलर टर्किश एक्ट्रेस हैं जो पहले मॉडल रह चुकी हैं। सेरेने सेरिकाया ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत 2006 में आई एक फिल्म शास्किन से की है। इस फिल्म में उनका एक छोटा सा रोल था और उस टाइम पे सिर्फ 14 साल की थी। आगे 2008 में सेरेने सेरिकाया को अपना पहला लीड रोल ड्रामा मिला जिसका नाम था पेरी मसाली। ये ड्रामा काफी पॉपुलर हुआ टर्की में और इसी ड्रामा की पॉपुलैरिटी की वजह से आगे सेरेने सेरिकाया को बहुत सारे ड्रामास और फिल्म्स में काम करने का मौका मिला, जिसमें से 5 ऐसे टर्किश ड्रामास के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिन्हें आप हिंदी या इंग्लिश में देख सकते हैं। यमाने गरीब फैमिली से है, वो पढ़ाई में अच्छा है पर उसकी भाई की गलती की वजह से उसे जेल हो जाती है। आगे एक लॉयर सलीम यमान की मदद करता है उसे जेल से छुड़ाने में और उसकी एजुकेशन के लिए भी, पर आगे क्या होगा जब यमान की पुरानी प्रॉब्लम्स उसके आगे फिर से आ जाएंगी, ये जानने के लिए देखिए ये बेहतरीन रोमांटिक ड्रामा मैजेजर YouTube पर उर्दू डबिंग में अवेलेबल है। यहाँ जान एक प्रोफेसर है, आगे उसे एक लड़की दुरु से प्यार हो जाता है जो एक डांसर है, पर यहाँ एक ट्विस्ट है कि दुरु ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है और उस लड़के का नाम है डेनिस। जान दुरु को लेकर बहुत ज्यादा पॉसेसिव हो जाता है और वो दुरु को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आगे इस कहानी में डेनिस, जान और दुरु के बीच एक ऐसा गेम शुरू होता है जिसका अंत बहुत खतरनाक है, जिसमें इन तीनों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो क्या होगा आगे जानने के लिए देखिए ये बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा फाई यूट्यूब पर। शासू अपने दादा से मिलने आदान आती है पर यहाँ आने के बाद शासू के साथ कुछ अजीब सी चीजें होने लगती हैं और आगे उसे ये एहसास होता है कि कोई उसे मारना चाहता है। तो आखिर कौन है वो, कहीं वो मरान तो नहीं जो शासू पर नजर रखे हुए है। तो क्या होगा आगे जानने के लिए देखिए ये बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा शहमरान नेटफ्लिक्स पर हिंदी डबिंग में अवेलेबल है। एक बिजनेसमैन असलान अपने फैमिली और बिजनेस के बीच की प्रॉब्लम्स में फंस चुका होता है और उसे एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है। आगे उसकी लाइफ में एक नया मोड़ आता है जब उसकी मुलाकात एक साइकोलॉजिस्ट डेरिन से होती है। असलान की लाइफ में डेविन आने के बाद उसकी लाइफ के प्रॉब्लम्स कम होने के बजाय और बढ़ जाते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को आगे कैसे असलान फेस करेगा ये सब जानने के लिए देखिए ये बेहतरीन एक्शन क्राइम ड्रामा द फैमिली। ये कहानी जिनार और लाले की है। यहाँ दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं और अपने घर वालों को बिना बताए वो शादी कर लेते हैं, पर आगे उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जब इनकी फैमिलीज को इनकी शादी के बारे में पता चलता है और वो इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ जिनार एक रिच फैमिली से है तो उसकी माँ को ऐसा लगता है कि लाले ने शादी जिनार से सिर्फ पैसों के लिए की है क्योंकि लाले की फैमिली ऑलरेडी बैंकक्रप्ट हो चुकी है। तो आगे यहाँ जिनार और लाले के फैमिलीज के बीच एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसकी वजह से इन दोनों को अलग होना पड़ता है। तो क्या होगा आगे जानने के लिए देखिए ये बेहतरीन रोमांटिक ड्रामा जुनून तेरे प्यार का YouTube पर उर्दू डबिंग में अवेलेबल है। तो ये थे सेरेने सेरिकाया के 5 ऐसे पॉपुलर टर्किश ड्रामास जिन्हें आप हिंदी या इंग्लिश में देख सकते हैं। इन 5 में आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है, ऐसे कमेंट कर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।